नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के सामने फिर एक बार उपस्थित हूँ एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज मैं आपको डायबिटीज़ क्यों होता है, कैसे होता है और इसके कुछ घरेलू उपचारों के बारे में बताऊँगा। डायबिटीज़ असाध्य नहीं है, पता चलते ही इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर दी जानी चाहिए। डायबिटीज़ से मुक्ति के लिए उसका उपचार तो ज़रूरी है ही, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उसे नियंत्रित करने के लिए अपनाए जाने वाले सही उपाय। उपचार के साथ ही डायबिटीज़ यानी मधुमेह रोगियों को अपनी जीवन शैली में ईमानदारी पूर्वक बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। ईमानदारी पूर्वक प्रयास से आशय ऐसे प्रयासों से है जो नुकसानदायक और स्थिति बिगाड़ने वाले ना हो। मधुमेह की रोकथाम के लिए अपनाई जाने वाली जीवन शैली में कुछ उपायों को जगह दी जा सकती है। हमारे शरीर को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, उन्हीं में से एक है डायबिटीज़। डायबिटीज़ आज के समय में महामारी बन चुकी है, इसका शिकार भारत के करोड़ों लोग बन चुके हैं। डायबिटीज़ के अधिकतर मरीजों को इस बारे में पता नहीं कि ठंड के मौसम में इस बीमारी से कैसे बचा जाए। ऐसे में डायबिटीज़ के मरीजों को भी और भी खतरे का सामना करना पड़ता है। आपको मैं हम बता दें कि डायबिटीज़ दो प्रकार के होते हैं। पहला है इंसुलिन डायबिटीज़। इस प्रकार के डायबिटीज़ में हार्मोन बनना पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। दूसरा है बिना इंसुलिन का डायबिटीज़। इस प्रकार के डायबिटीज़ में कम इंसुलिन बनते हैं या फिर पेनक्रियाज सही से काम नहीं करता। डायबिटीज़ के कुछ कारण हैं, जिनमें पहला है पूरे दिन बैठे रहना। हम देखते हैं कि अक्सर लोग घर में से बाहर नहीं जाते और घर में ही पूरे पूरे दिन 8-10 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, और जो घर से बाहर जाके ऑफिस में भी काम करते हैं वो भी कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, जिनसे उनकी शारीरिक गतिविधि बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिस वजह से उनके डायबिटीज़, थायराइड और हृदय रोग जैसे संबंधित बीमारियां बढ़ने लगती हैं। इसके लिए जितना हो सके उतना घूमें, इससे न केवल आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा बल्कि साथ ही आपके ब्लड शुगर के स्तर को भी सीमित रखने में मदद मिलेगी। दूसरा है देर रात तक काम करना। कई लोगों को ये डेडलाइन दी जाती है कि आपको ये काम आज में पूरा करना है, तो वो लोग पूरी रात तक काम करते रहते हैं, जिस वजह से उनमें तनाव और अनिद्रा की बीमारी बढ़ जाती है और डायबिटीज़ अपना और पैर जमा लेती है आपके शरीर में। डायबिटीज़ अगर आपको हो गई है तो आपको कुछ घरेलू उपाय हम बता रहे हैं, जिनके आप उपाय करने से डायबिटीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। डायबिटीज़ में आप लें आंवला। मधुमेह होने की स्थिति में अपने खाद्य पदार्थों या फलों में आंवला का प्रयोग करें। आंवला विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का बढ़िया स्रोत है। आंवले की जूस का नियमित सेवन आपको मधुमेह से राहत दिलाएगी। दूसरा है मेथी दाना। मेथी दाने की ये विशेषता है कि वो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को सोखने की मदद करती है। नियमित एक चम्मच मेथी दानों को दूध में मिलाकर पीने से मधुमेह का स्तर घटता चला जाता है। तीसरा है दालचीनी। दालचीनी का चूर्ण डायबिटीज़ टाइप 2 को नियंत्रित करने में सहायक होता है, हालांकि इसका ये कतई मतलब नहीं कि इसका कोई बेतहाशा इस्तेमाल किया जाए। दालचीनी चूर्ण का अत्यधिक सेवन शरीर में टॉक्सिन की मात्रा को बढ़ा देती है। मधुमेह की जानकारी के होने के बाद शुगर का स्तर जांचने से पहले एक गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर कुछ दिनों तक इसका सेवन आप कर सकते हैं। कम लोग जानते होंगे कि आम के पत्ते इंसुलिन नियंत्रित करने में मददगार होते हैं। सोते वक्त एक कटोरे पानी में पत्ते भिगो लें और सुबह उठकर इन्हें हटाकर पानी का सेवन आपको करना चाहिए। पाँचवा है डायबिटीज़ में जामुन का सेवन करें। जामुन में पर्याप्त मात्रा में एलोजिक एसिड और एंथीसियानिन नमक तत्व होते हैं। ये तत्व मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। डायबिटीज़ के खतरे को कम करने के कुछ आसान तरीके हैं जो आपको सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए। उसमें पहला है कैलोरी का सेवन कम करें, प्रोसेस्ड फूड से बचें। आप अपना नाश्ता हर रोज करें, इसे किसी भी दिन ना छोड़ें। दिन में 3 बार भोजन करने की जगह 4-5 बार थोड़ा भोजन लें। भोजन के मध्य लंबा अंतराल रखने से बचें। भोजन में प्रोटीन की मात्रा शामिल करें। जितना हो सके उतना चलें, बैठने पर कम ध्यान दें। सर्दी के मौसम में सैर करना डायबिटीज़ के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद होती है, लेकिन रोगी को नंगे पांव से सैर नहीं करना चाहिए। टीवी या फ़ोन देखना जितना हो सके उतना कम कर दें। डायबिटीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इसे कंट्रोल में किया जा सकता है। इसके लिए डॉक्टर की सलाह के साथ साथ अपने शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए। इसके साथ ही सर्दियों में अगर थोड़ी सी सावधानी रखी जाए ताकि डायबिटीज़ से आपको बचा जा सके। आप हमारे इन नुस्खों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी ज़रूरतमंद तक सही जानकारी पहुंचती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
जिससे आप आने वाली और भी महत्वपूर्ण जानकारियों से हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।